मामला है हमीरपुर जनपद की मोहदा तहसील का, जहां के गांधी इंटर कॉलेज के निकट स्थित निरंकारी भवन से निरंकारी महादेव हरदेव जी के जन्मदिन पर एक शोभा यात्रा निकाली गई और कस्बे के सरकारी अस्पताल में सफाई अभियान चलाया गया। बताते चले कि निरंकारी महाराज हरदेव जी का जन्म आज ही के दिन 23 फरवरी 1954 को हुआ था, इसलिए निरंकारी महाराज के भक्त प्रतिवर्ष आज के दिन सफाई अभियान के साथ ही अन्य पुनीत कार्य करते हैं। इस दौरान लगभग 100 महिला पुरुष और बच्चों ने सरकारी अस्पताल में सफाई अभियान चलाया। ये जो आज सफाई अभियान चल रहा है, ये जो रैली निकाली है और सफाई अभियान चल रहा है, इसका क्या मकसद है, किस वजह से? ये हमारे आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का जन्मदिन है, आज उसी के उपलक्ष्य में हमारा जो सदगुरु का आदेश है उपदेश था, तो आज उन्हीं के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सफाई अभियान कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिशंकर विश्वकर्मा निरंकारी। सर, ये जो आज कस्बे में एक रैली निकाली गई और ये सफाई अभियान चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग 1954 से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिन के उपलक्ष्य में हम लोग बराबर निरंतर 66 वर्ष से, मतलब ये सफाई अभियान और उनके जन्म दिवस की खुशी में हम लोग ये सब कुछ करते हैं। हर पूरे प्रदेश में, पूरे बल्कि देश में, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सब जगह से 23 फरवरी को हम लोग सफाई अभियान करते हैं। उसमें टारगेट रखा जाता है सरकारी अस्पताल और आपके स्टेशन और रेलवे स्टेशन और बस स्टाफ वगैरह। इस तरह से हम लोगों का एक मिशन से जो आदेश आता है हम लोगों को दिल्ली से, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं।